हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ लॉ पर। और मैं एडवोकेट बराव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही प्री मेंस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कई बार आपके मेंस के एग्जाम में पूछा भी गया है। आज हम डिस्कस करने वाले नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। जी हाँ, नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, वेदर इट इज़ अ सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा और हम सब सोचते भी क्या है, कैसे होगा। तो चलिए आज हम इसी को बहुत ईजी वे में विद रेलिवेंट प्रोविजन और विद केस लॉ देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं जो हिंदू मैरिज है ये क्या है। ये काफ़ी सारे जो संस्कार होते हैं हमारे सैक्रामेंट, उन्हें फॉलो करके किया जाता है। एक पंडित होता है, हवन होता है, मांग में सिंदूर भरा जाता है, साथ फेरे लिए जाते हैं, जैसा कि सेक्शन 7 भी हमें बता रहा है ना। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम एक धार्मिक संस्कार के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए, ये था बेसिक कि हम करते कैसे। अब हम अगर बात करें नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, याद रखिएगा हिंदुओं के 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार माना गया वो किसे माना गया, हमारे हिंदू मैरिज को माना गया है। और ऐसी ही सेम चीज़ एक केस लो आया, मनमोहिनी वर्सेस बसंत कुमार, मनमोहिनी वर्सेस बसंत कुमार 1909। इस केस में कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला ये जो हिंदू मैरिज है ये क्या है, ये एक सैक्रामेंट है, ये मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का मिलन है। जो हिंदू मैरिज है सैक्रामेंट से भी बढ़कर है, मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का मिलन है, ठीक है, और एक सैक्रामेंट से भी बढ़कर है। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज की, तो हिंदू मैरिज जो हिंदू हमारा ये रिलीजन है, इसमें पति को बिना पत्नी के अधूरा समझा जाता है। शिवजी को अर्ध नारेश्वर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही मैसेज दिया कि जो हिंदू, अगर आप हिंदू रिलीजन की बात करें तो आदमी अपनी पत्नी के बिना अधूरा है, ठीक है। तो ये देखा हमने बेसिक। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एक सैक्रामेंट है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा वो ग्राउंड्स जिनके बिहाफ पर एक सैक्रामेंट है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्वर्ग की प्राप्ति। हिंदू जो रिलीजन है इसमें ये मान्यता है, ये माना जाता है अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको बेटा होना चाहिए। क्यों? जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका बेटा क्या करता है, अंतिम संस्कार करता है ना, उसे पिंडदान देता है ना, और उसकी क्रिया वगैरह कराता है। तो ये सब कब होंगी, जब एक बेटा होगा। और बेटा कब मिलेगा, जब शादी होगी, और शादी होगी तभी तो वाइफ आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। दूसरा आ जाता है किसके लिए, वंश वृद्धि के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेटा होना बहुत ज़रूरी है। और बेटा कब होगा, जब शादी होगी, और शादी को इसीलिए रिलीजियस माना गया। फिर तीसरा आ जाता है, कई सारे आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों की गांठ जोड़कर और उन्हें एक साथ पूजा में बिठाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की, ये जो जितने भी हमारे रिलीजियस फंक्शन हैं, इन्हें परफॉर्म करने के लिए शादी की ज़रूरत है, और शादी होगी तभी तो वाइफ आएगी। तो ये सब क्या है, ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं हमारी शादी एक सैक्रामेंट है। और फिर ये जो शादी है ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये एक प्रोसेस को फॉलो, एक रिलीजियस प्रोसेस को फॉलो करके की जाती है। एक पंडित होता है ना, वो सात फेरे कराता है, पिता कन्यादान करता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सैक्रामेंट को बताते हैं कि एक शादी जो हमारी हिंदू है क्या है, ये सैक्रामेंट है। चलिए, ये देखिए हमने ग्राउंड्स जो बताते हैं शादी सैक्रामेंट है। अब हम वो ग्राउंड्स देख लेते हैं जो हमें बताते हैं क्या कि ये जो हमारे हिंदू मैरिज है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कौन कौन से ग्राउंड है, सबसे पहली चीज़, जैसे कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिड्रेशन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के। और लेकिन हम बात करें हिंदू मैरिज की, तो हिंदू मैरिज में तीनों ही नहीं होते, ना तो इसमें प्रपोजल होता, ना एक्सेप्टेंस होता, ना कंसिड्रेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हिंदू मैरिज, अगर मॉमडन मैरिज की बात करें, उसमें एक ही एक मीटिंग होती है, उसके अंदर हिजाब और कबूल है ना, हिजाब और कबूल दोनों होता है। पहले वो बोलते हैं क्या आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बोलती हैं हाँ मुझे कबूल है, ठीक है। तो ना तो इसमें ऐसा कोई ऑफर होता, ना एक्सेप्टेंस होती, और ना ही इसमें हिबा होता, डॉवर हमने पढ़ा था मॉमडन लॉ में। तो हिंदू मैरिज में ऐसा कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ना इसमें आपका प्रपोजल है, ना इसमें एक्सेप्टेंस है, और ना ही इसमें कंसिडरेशन है। और यहाँ तक कि इसमें तो जो फादर होता है हिंदू मैरिज में, वो अपनी कन्या को दान में देता है, दान में देता है, और उसके बदले हस्बैंड से कुछ भी नहीं लेता। तो ये क्या है, ये सब हमारे एसेंशियल बता रहे हैं क्या है? कि ये जो है ये एक हमारा सैक्रामेंट है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट।
और अब हम बात करें जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसमें उसमें बताया है कि अगर आप माइनर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेक्शन कौन सा, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो क्या बता रहा है कि हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड है तो 21 ईयर होनी चाहिए और वाइफ है तो कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर फिर भी इन दोनों की शादी हो जाती है तो वो शादी वैलिड रहती है ना। लेकिन जो पर्सन शादी कराता है, जिस पर्सन ने उस शादी कराया उसे तो पनिशमेंट मिलती है, कहाँ पर, अंडर सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट, वहाँ पर शादी तो मिलती है लेकिन शादी वैलिड रहती है। तो ये सब हमारे एसेंशियल क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कौन से कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जो बताते हैं शादी सैक्रामेंट है, कौन कौन से ग्राउंड है जो बता रहे हैं शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, याद रखिएगा, रंगाचारी यालू वर्सेस वेंकटाचारी यालू। इस केस में बताया था ये जो हमारी शादी है, ये हमारी जो हिंदू शादी है ना, ये ना तो पूरी तरह से क्या है कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये पूरी तरह से क्या है सैक्रामेंट है, ठीक है। इसकी जो आत्मा है, आत्मा क्या है, इसकी आत्मा तो संस्कार है, सैक्रामेंट है जो इसकी सोल है, लेकिन जो कंडक्ट है वो क्या है, इसका कंडक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा जो है सोल है वो क्या है सैक्रामेंट, और जो कंडक्ट है वो क्या है कंडक्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसी तरह से बने रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। और आपको लगता है कुछ इसमें समझ नहीं आया, कुछ और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।